उत्तराखंड में मौसम का कहर जारी है। राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश के कई दौर होने की संभावना व्यक्त की गई है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और उधम सिंह नगर में मंगलवार को तेज गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बरसाती नाले उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बारिश की वजह से चार धाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है, जिससे तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे समेत कई प्रमुख मार्ग बाधित हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे रविवार सुबह बाधित हुआ था, जिसे 34 घंटे बाद सोमवार शाम को खोला जा सका। चमोली के थराली में प्राणमती नदी पर बना अस्थायी पुल बह जाने से 5 गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर हो रहे भूधंसाव से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते इन मार्गों पर अगले 15 दिनों तक यातायात सुचारू होने की संभावना नहीं है। देहरादून में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव की समस्या गंभीर हो गई है। सोमवार को कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर लगभग 2 फीट पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रिस्पना पुल के पास मुख्य सड़क पर जल भराव होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। अजबपुर फ्लाईओवर पर बने अंडरपास में भी पानी भर गया, जिससे कई वाहन फंस गए। इस जल भराव में फंसे परिवार को बचाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। रुद्रपुर में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत और DIG योगेंद्र सिंह रावत ने ट्रैक्टर पर बैठकर खटीमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी को भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सभी को राहत पहुंचाई जाएगी। सोमवार को SDRF, पुलिस, सेना और NDRF की टीमों ने खटीमा में बाढ़ में फंसे लगभग 500 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और सड़कों पर जल भराव के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन मौसम की मार के चलते स्थिति विकट बनी हुई है। उत्तराखंड में मौसमी परिस्थितियों ने लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रशासन और राहत एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, लेकिन मौसम की अनिश्चितता के चलते चुनौतियां बनी हुई हैं।